नमस्कार, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रोग्राम कॉपियर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके पहले एक स्मॉल इंट्रो में दे देता ताकि आपको इजीली समझ में आएगा ये टॉपिक के बारे में। फॉर मोर प्रैक्टिकल वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब अस एंड टैप द बेल आइकॉन। ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, इसके बारे में इंडस्ट्रियल में जो भी काम करता है सभी लोग जानता है। अब हर इंडस्ट्री में ईओटी क्रेन यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में। ये जो ईओटी क्रेन को नॉर्मली 3 टाइप्स में ऑपरेट करता है। एक पेंडेंट के थ्रू ऑपरेट करता है, और मास्टर कंट्रोलर जहाँ पे ऑपरेटर क्रेन के ऊपर बैठ के ऑपरेट करता है उसको मास्टर कंट्रोलर बोलता है, और तीसरा रिमोट से ऑपरेट होता है। ये 3 टाइप्स में, हम तीसरा टाइप के बारे में आज देखने वाला है जहाँ पे क्रेन को हम लोग रिमोट से ऑपरेट करता है वहाँ पे प्रोग्राम कॉपियर यूज होता है, उसके बारे में अभी देखेंगे। रिमोट से ईओटी क्रेन को ऑपरेट करता है वो जो रिमोट यूनिट को बोलता है RRC, रेडियो रिमोट कंट्रोलर। इसमें 2 पार्ट रहता है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ईओटी क्रेन के ऊपर जो लगा हुआ है वो रिसीवर है, और अपने हाथ में जो रिमोट है उसको ट्रांसमीटर बोलता है। ये जो यूनिट को आप वीडियो में देख सकता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूनिट को। अभी क्वेश्चन क्या है, इनकेस पेंडेंट खराब हो गया तो हम नया पेंडेंट लेके वायरिंग कर सकता है, और मास्टर कंट्रोलर खराब हुआ तो भी वायरिंग करके मास्टर कंट्रोलर बना सकता है। इनकेस रिमोट खराब हो गया और घूम गया तो नया रिमोट लेके उसमें प्रोग्राम कैसे डालने का। अब नया रिमोट लिया तो डायरेक्ट वो क्रेन को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसमें आपको प्रोग्राम फीड करना पड़ेगा अप डाउन का, और जो भी ईओटी क्रेन का ऑपरेशन है उसको आपको फीड करना पड़ेगा। तो उसमें कैसे फीड करना है, नया रिमोट लिया तो उसको ऑपरेशन में कैसे लेके आना है, वहाँ पे हमको प्रोग्राम कॉपियर यूज होता है, ये कैसे काम कर रहा करके हम अभी देखेंगे। इन केस आपका ईओटी क्रेन का रिमोट खराब हो गया और घूम गया तो क्या करना है, फर्स्ट आपका रिसीवर के अंदर और रिमोट के अंदर क्रिस्टल करके एक पार्ट रहता है। अब वीडियो में आप देख सकता है वो जो क्रिस्टल के ऊपर चैनल नंबर रहता है, फॉर एग्जाम्पल 001 और 002, 003, ऐसा क्रिस्टल के ऊपर जो भी नंबर लिखा रहता है। अभी रिमोट घूम गया तो आपको रिसीवर के अंदर वो चैनल का नंबर मिल जाएगा। इनकेस रिमोट वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो आपको और रिमोट को ओपन किया तो उसके अंदर आपको क्रिस्टल का नंबर मिल जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप आप क्रिस्टल का नंबर नोट करने का। बाद में आपको सेम क्रिस्टल आपको परचेस करना पड़ेगा। जो भी है आपको रिसीवर में जो क्रिस्टल नंबर है और रिमोट में जो भी क्रिस्टल नंबर है वो सेम नंबर का क्रिस्टल आपको परचेस करना पड़ेगा। आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ईओटी क्रेन सप्लायर्स को कॉन्टेक्ट किया तो वो लोग देगा आपको। प्लस ये जो वीडियो में दिखा रहा प्रोग्राम कॉपियर, इसको भी आपको परचेस करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में सेम चैनल नंबर का क्रिस्टल रहने का, सो दैट इट कैन इजीली ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अभी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में चैनल नंबर नोट करके आपने परचेस करके रखा, अभी नया रिमोट एक परचेस करने का आपको मिल जाएगा, सेम नया रिमोट। आपको वो नया रिमोट को आपने डिसमेंडल किया तो उसके अंदर भी क्रिस्टल रहता है, लेकिन वो क्रिस्टल नंबर अपना क्रिस्टल नंबर के साथ मैच नहीं होता है, इसलिए आप वो क्रिस्टल को बाहर निकालने का। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं हम लोग कैसे निकाल रहा करके, वो क्रिस्टल को बाहर निकाल के हमारा जो नया क्रिस्टल परचेस किया सेम नंबर का वो क्रिस्टल को आपको फीड करना पड़ेगा। अभी फिक्स करने के बाद जो रिसीवर में क्रिस्टल नंबर है और हमारा नया रिमोट का क्रिस्टल नंबर दोनों सेम हो गया। बाद में क्रिस्टल चेंज करने के बाद आप रिमोट को वापस कवर डाल देने का, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब वीडियो में सब कुछ क्लियरली देख सकता है।
नॉर्मली ईओटी क्रेन का रिसीवर में प्रॉब्लम्स नहीं आता है क्योंकि वो सेफ जोन में है, रिमोट ऑपरेटर का हाथ में रहता है, इसलिए वो डैमेज होने का और घूमने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इस वीडियो में अगर आपके पास रिमोट घूम गया तो कैसे प्रोग्राम कॉपी करना है उसके बारे में हम दिखाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्रिस्टल को आपने नोट करके परचेस किया है, सेकेंड स्टेप में नया रिमोट परचेस करके वो जो क्रिस्टल को नया रिमोट में फिक्स किया है। अभी थर्ड स्टेप में प्रोग्राम कॉपियर से कैसे कॉपी करना है वो देखेंगे। ईओटी क्रेन के ऊपर रिसीवर रहता है, रिसीवर यूनिट आप वीडियो में देख सकता है, वो रिसीवर यूनिट को ओपन किया तो उसके अंदर आपको क्रिस्टल दिखाएगा। आपने अभी नया क्रिस्टल मंगा के रिमोट में डाला है, वो सेम नंबर क्रिस्टल रिसीवर के अंदर आपको मिलेगा। नीचे में एक 6 पिन का मेल कनेक्टर आपको दिखेगा, उसमें प्रोग्राम राइटर करके लिखा रहता है पीसीबी बोर्ड में। तो अभी क्या करने का, आपका ईओटी क्रेन का सप्लाई पहले बंद करने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सप्लाई बंद करने के बाद तो जो प्रोग्राम कॉपियर में 6 पिन का फीमेल कनेक्टर आएगा, वो फीमेल कनेक्टर को राइटर में इंसर्ट करके प्रोग्राम कॉपियर में ग्रीन कलर में मैग्नेटिक स्विच एक आता है, वो स्विच को फिक्स करने का। फिक्स करने के बाद उसमें 3 बटन्स रहता है, 1, 2, 3 करके, इसमें कोई भी एक बटन, अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं हम लोग एक नंबर बटन को दबाएगा, तो एक नंबर बटन को कंटिन्यू दबा के रखा तो प्रोग्राम कॉपियर में आपको ग्रीन कलर लाइट ब्लिंक होता है। ग्रीन कलर लाइट कंटिन्यू ब्लिंक होके ऑफ हो जाता है तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी रिसीवर से प्रोग्राम आपका प्रोग्राम कॉपियर में कॉपी हो गया, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अभी हमने प्रोग्राम को रिसीवर से प्रोग्राम कॉपियर में कॉपी कर दिया। अभी स्टेप 3 में हम लोग दिखाया जो प्रोग्राम को कॉपी करके लिया रिसीवर से, ये जो केस है आपको जब आएगा आपके पास रिमोट अवेलेबल नहीं है तो आपको रिसीवर से प्रोग्राम कॉपी करके लेना पड़ता है। इन केस आपके पास रिमोट खराब हो गया तो यू हैव अ ओल्ड रिमोट, मींस आप पुराना रिमोट से ही प्रोग्राम कॉपी करके ले सकता है। तो रिमोट के नीचे में आपको 6 पिन का एक कनेक्टर मिलेगा, उसमें आप प्रोग्राम कॉपियर को फिक्स करके आपको प्रोग्राम कॉपी करके ले सकता है। इनकेस रिमोट नहीं है तो हम प्रीवियस में दिखाया रिसीवर से कैसे लिया ऐसा लेना पड़ता है। अभी नया रिमोट में ये जो प्रोग्राम को कैसे फीड करना है वो हम देखेंगे। उसके लिए आपको रिमोट को ऑफ करके रिमोट के नीचे में 6 पिन का आपको कनेक्टर मिलेगा, तो वो कनेक्टर में आप प्रोग्राम कॉपियर को घुसा देने का। प्रोग्राम कॉपियर इंसर्ट होने के बाद इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आपने प्रोग्राम को रिसीवर से और रिमोट से कॉपी करके लेता है तब आपको मैग्नेटिक स्विच फिक्स करके रहने का, ग्रीन कलर मैग्नेटिक स्विच। जब प्रोग्राम को आप फीड कर रहा है नया रिमोट में तब आप मैग्नेटिक स्विच को निकाल देने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रिमोट में फीड कर रहा मेरा प्रोग्राम को नया रिमोट में, तब मैं ग्रीन कलर मैग्नेटिक स्विच को निकाल दिया। निकालने के बाद आप कौन सा बटन दबा के वहां से प्रोग्राम कॉपी किया रिसीवर से, हम लोग एक नंबर दबा के कॉपी किया प्रोग्राम को, तो अभी भी वही एक नंबर को दबा देने का। एक बार दबा के छोड़ दिया तो आपको प्रोग्राम नया रिमोट में फीड हो जाएगा। इसमें आपको ग्रीन कलर लाइट चलेगा प्रोग्राम कॉपियर में और रिमोट में आपको फर्स्ट रेड कलर इंडिकेशन आएगा, तो प्रोसेस रनिंग में। जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसमें ग्रीन कलर लाइट ऑफ हो जाएगा और रिमोट में आपको ग्रीन कलर लाइट चालू होता है, तो प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गया, अभी प्रोग्राम नया रिमोट में फीड हो गया। तो अभी आप सप्लाई ऑन करके रिमोट को भी ऑन करके स्टार्ट बटन दबाया तो आपका रिसीवर ऑन हो जाएगा। नाउ आवर रिमोट इज़ रेडी फॉर ऑपरेशन।